नमस्कार, डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के इस संस्करण का सबसे खास मुकाबला आज खेला जाएगा जो है चेन्नई वर्सेस मुंबई। ये दोनों ही टीम है जिन्होंने अपना वजन अब तक के सभी संस्करणों में दिखाया है। चेन्नई जहां 4 बार खिताब जीत चुकी है तो वहीं मुंबई इंडियंस 5 बार खिताब हासिल कर चुकी है। लेकिन बात इस बार के संस्करण की करें तो ये दोनों टीमें अंक तालिका में बॉटम पर है। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई जैसी वजनदार टीम 6 मुकाबले होने पर एक भी जीत हासिल नहीं कर सकेगी। और दूसरी तरफ चेन्नई 6 मुकाबले इस टीम ने भी खेले हैं लेकिन सिर्फ एक जीत हासिल की है। ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। दोनों टीमें इतिहास के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रबल है और आज जो जीतेगा उसे थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन मुंबई यदि आज का मैच पराजित हुई तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स की जो दौड़ है वो इस टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कुछ खास हो सकता है इस मुकाबले के लिए, हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौबे सर जो कि क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उसके साथ ही हमारे खास मेहमान है पल्लव विजयवर्गीय जी जो आंकड़ों को अपने जहन में हमेशा रखते हैं। किसी भी मुकाबले से जुड़ा कोई भी दिलचस्प किस्सा हो या आंकड़ा हो उन्हें हमेशा मुंह जबानी याद रहता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस महा मुकाबले से पहले कल जो मैच खेला गया जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की है। दिल्ली का यह मुकाबला इसलिए अहम था क्योंकि दिल्ली के कुछ खिलाड़ी और उसके साथ साथ स्टाफ मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। एक खिलाड़ी तो मैच से चंद घंटे पहले ही पॉजिटिव आए थे तो ऐसे में मानसिक दबाव से गुजर रही थी दिल्ली की टीम। लेकिन इतनी बड़ी जीत दर्ज करके इस टीम ने बता दिया है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर यह टीम कितनी ज्यादा मजबूत है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल हमने जैसे बात की थी कि थोड़ा सा मानसिक रूप से वो लोग क्योंकि कोविड का उनके ऊपर पूरी टीम के ऊपर असर हुआ है और वो थोड़ा सा उनका रहेगा, पर आज जैसे हमने पेपर में भी पढ़ा और कल स्टेटमेंट भी आया था कि हमने उन सब चीजों से उभर के और मैच खेलेंगे और उन्होंने खेला भी बहुत अच्छे तरीके से और मैच जीते भी। वो मतलब पंजाब ने क्या करा मुझे तो समझ में नहीं आया। अच्छा कुछ नहीं करा, यही समझ। हाँ, क्योंकि इतना बढ़िया स्टार्ट था दोनों ने दिया, शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने, और सडनली एकदम विकेट गिरना चालू हुए और 115 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, जिसका नाम है पंजाब का कि पंजाबी कुछ भी कर सकते हैं, वो वाला काम उन्होंने कल किया और बताया 115 पे हम ऑल आउट हो गए। और वो बहुत इजी टारगेट, मतलब हम जब बोलते हैं कि 160 रन 170 रन बहुत इजी टारगेट है T20 में, तो 115 रन बहुत इजी टारगेट, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लो स्कोरिंग मैचेस फंस जाते हैं। पर कल विकेट भी ऐसा नहीं था कि वो क्यों आउट हुए, मतलब जिसको कहते हैं कि मार मार के आउट होते चले गए, कुछ माइंड सेट ही मुझे समझ में नहीं आया पंजाब का, और 115 पे ऑल आउट हो गए और उन्होंने आराम से एक विकेट पे, वही पृथ्वी शाह, मुझे लगता है कि उनको पता नहीं क्या जल्दी थी, अगर वो खेलते तो उनके 50 होते और आराम से वो 10 विकेट से मैच जीत सकते, और उन्होंने एक शॉट खराब खेला और वो आउट हो गए और इजीली उन्होंने काम कर चुके थे। हाँ, उन्होंने 40-42 रन बना के और वो अपने टीम का काम कर चुके थे, तो ऐसा कुछ मतलब दिल्ली को कोई परेशानी हुई नहीं और इजीली उन्होंने मैच जीत लिया। पल्लव सर, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ये ऐसा मुकाबला रहा जिसमें एक तरफा कोई टीम पूरे मुकाबले पर हावी रही हो। पंजाब ऐसा लगा कि हथियार डालने के लिए कल मैदान में उतरी थी। देखिए, टोटली गैर जिम्मेदार। आप अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखिए, पंजाब की टीम 5 मेन बॉलर्स खिला रही है तो इस स्वाभाविक तौर पे आपके पास 6 बल्लेबाज होंगे। 6 बल्लेबाज में से भी जो 4 बल्लेबाज हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार था खुद मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, लाइम लिविंगस्टोन और जॉनी बेयरस्टो। उसके बाद आप अगर शाहरुख खान और जितेश शर्मा पे भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकते थे। शुरुआती 4 बल्लेबाजों में से किसी एक को, 2 बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना ही थी लेकिन वो यहाँ पर चूक गए, इसलिए जब 65 रन के आसपास 4 विकेट इनके गिर गए तब ये टीम धराशायी हो गई, क्योंकि इनके पास कोई मेन ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसको मैं इतनी कंसिस्टेंसी हो कि वो मैच के एक इनिंग को कम से कम 150 या 160 के सम्मानजनक स्कोर तक ले जाता। और यही कारण है कि कल उन्होंने अपना नेट रन रेट बिगाड़ा और दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट बहुत सुधार दिया। और कल जी मैं बोला था कि जो इनका जो जैसे पल्लव ने बोला कि 6 बैट्समैन के साथ में खेल रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉनी बेयरस्टो है ना उनको वेस्ट करते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ओपन उतारे यस तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद। हमने देखा सनराइजर्स हैदराबाद में बतौर ओपनर उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया टीम के, उनको अगर ओपन उतारे। दूसरा शाहरुख खान, शाहरुख ने अभी पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए रन नहीं बनाए,
उस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने, अब उनको थोड़ा सा पंजाब को सोचना पड़ेगा कि वो शाहरुख को हिटर के रूप में पीछे रखते हैं, पर अभी तक वो हिटर अभी तक चला नहीं है, तो उनको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वैसे सर एक रोचक वाक्य भी है जिस पर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर वो क्या आधार था जिसके लिए कुलदीप को मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने दो विकेट जरूर हासिल किए लेकिन वो पिछले बल्लेबाजों के थे, उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो अन्य जो बॉलर्स थे उनका भी रहा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए सबका मिला जुला प्रदर्शन था, और जब मिला जुला प्रदर्शन होता है तब जो भी ज्यूरी होती है जिसे मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। बड़े विकेट लिए थे लिविंगस्टोन का भी उन्होंने। देखिए अक्षर पटेल ने डेफिनेटली 4 ओवर में 10 रन दिए हैं और उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से मेन बैट्समैन को आउट करके और उनकी टीम मतलब एक स्कोर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो कर सकते थे आप, लेकिन मिला जुला प्रदर्शन है तो आपके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसको चुने, और किसको चुने तो उन्होंने देख लिया कि ठीक है एक बॉलर था ऐसा कि बाद में अगर टीम का स्कोर हो सकता था बड़ा हो जाए, इसने 2 विकेट लेकर के उसको वहीं चूज दिया, ये कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि मैन ऑफ द मैच आप किसको दें। मुझे मालूम नहीं है, पहले जब इंडिया की टीम और ये सब खेलती है तो उसमें ऐसा बोलते थे कि कमेंटेटर आपस में बात करके और फिर वो बताते हैं कि किसको मैन ऑफ द मैच दिया है। आईपीएल में शायद पल्लव को मालूम होगा कि अब यहाँ तो कमेंटेटर है नहीं ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर तो है तो अगर वो अगर चूज करके भेजते हैं कि भैया अगर ये प्लेयर मैन ऑफ द मैच है तो वो देखना पड़ेगा कि कल कमेंटेटर कौन कौन थे और किसने चूज करा है। हाँ, ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान जरूर लगा है कि आखिर किस आधार पर कुलदीप यादव के नाम पर मैन ऑफ द मैच के तौर पर मोहर लगाई गई, कहीं ना कहीं इस पर आलोचनाएं भी हो रही है और अलग अलग तरह के विचार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक सामूहिक एफर्ट थे, एक सामूहिक तरीके से टीम ने जो प्लान तैयार किया था दिल्ली ने उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया। पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आई थी लेकिन पूरी टीम को एक तरीके से गेंदबाज हावी दिखाई दिए और बिखेर कर रख दिया। सर ये मैच जिस अंदाज में हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि दिल्ली के हौसले आने वाले मुकाबलों के लिए बहुत बड़े होंगे, उनके नेट रन रेट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ होगा, और दूसरी तरफ बात की जाए कि पंजाब के लिए अब आने वाले मुकाबलों के लिए इस बुरी पराजय से उभर कर फिर मोर्चे पर आना और बेहतर प्रदर्शन करना कितना डिफिकल्ट रहने वाला है? देखिए डिफिकल्ट अब सभी के लिए रहने वाला है, अगर आप आज के मैच को छोड़ दें जो बॉटम की 3-2 टीमें थी, कल का मैच देखें तो दिल्ली कैपिटल्स 8वें नंबर पे थी, कल का मैच जीत करके ये 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। अब लगभग सभी मैचों ने 6 टीमों ने 7-7 मैच खेल लिए हैं और बाकी की 4 टीमों के 6-6 मैच हैं। अब यहाँ से टूर्नामेंट करवट लेगा, अगर आपने 2 मैच भी हारे किसी भी टीम ने, आप मुंबई और चेन्नई को छोड़ दीजिए, इनके लिए जीतना जरूरी है, जो ऊपर की टीम है जिन्होंने जीते हुए मैच, आप सिर्फ एक लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो 10-10 अंक लेकर के टॉप पर हैं, वो 2 मैच हारना मतलब बेयर कर सकती हैं, वो घाटे को कवर अप कभी भी कर सकती है। बाकी की जो टीम है जो 3रे नंबर से लेके 8वें नंबर तक है, इनमें से अगर कोई टीम 2 मैच हार गई तो उसके लिए उभरना मुश्किल हो जाएगा, और इन्हीं में से कोई 2 टीमें आगे आने वाले 2 मैच जीत गई तो इनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। अब टूर्नामेंट जो भी है वो बहुत ज्यादा मतलब नाजुक मोड़ पर है, यहाँ पर अब आपके पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पल्लव बोल रहा है बिल्कुल बात सही है कि दोस्त जो 3 से लेकर 8 नंबर तक की टीम है उनको अगर 2 मैच हारेंगे तो बहुत परेशानी होगी, पर मैं आपको बता दूं ये परेशानी ये दोनों जो नीचे बॉटम की दोनों टीम है ये बढ़ाने वाली है। आज मुझे लगता है कि अगर मुंबई और उस पर अगर मुंबई आज हार जाती है तो वो फ्री हो जाएगी बिल्कुल, उसको मालूम है कि हमारा कोई चांस नहीं है, फिर हम नहीं खेलेंगे लेकिन खेलने पर हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाला काम करेंगे वो, तो डेफिनेटली ये होने वाला है। तो ये खास तरह की तस्वीर जो हम अंक तालिका में देख रहे हैं जो रोज कहीं ना कहीं हमारे सामने उलट फेर लेकर आ रहा है, और जैसे मैच दर मैच ये चीजें बढ़ती जाएगी मुझे लगता है कि और दिलचस्प अंक तालिका की तस्वीर हमारे सामने होगी। लेकिन बात जब अंक तालिका की चली है तो मुंबई और चेन्नई जो कि 9वें और 10वें नंबर पर है, एकमात्र मुकाबला चेन्नई जैसी डिफेंडिंग चैंपियन ने इस टूर्नामेंट में अब तक जीता है, जबकि मुंबई जैसी वजनदार टीम जो इतिहास में आईपीएल के इतिहास की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है इस टूर्नामेंट में 10वें नंबर पर है। सर जब तक 8 टीमें थी इन टीमों का रुतबा ऊपर की 4 टीमों में होता था, जब से 10 टीमें आई है ये टीमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर 8 से आने ही नहीं चाहती। देखिए हमारे पहले भी इस बात पर डिस्कशन हो चुका है, मैंने बोला जो ऑक्शन हुआ था
उस ऑक्शन में इन्होंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आया, चेन्नई ने भी और मुंबई ने भी, कि मुंबई ने अपने बहुत अच्छे प्लेयर्स छोड़ दिए और आज वो दूसरी टीमों में है, कप्तान है, और आज देख लिया वो टीम का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह से चेन्नई ने भी कि वो उनका उन्होंने अपना प्लेयर छोड़ा, आज वो आरसीबी के कप्तान है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है और वो टीम भी अच्छा कर रही है। तो इन्होंने क्या समझ के छोड़ा है ये तो फ्रेंचाइजी बता सकती है कि इनका दिमाग क्या चल रहा है, या तो उसका नतीजा है कि 9 और 10 नंबर पे। तो अब इनको ये सोचना पड़ेगा या थिंक टैंक को कि हमको जब अब ये आईपीएल तो चला गया, जो नेक्स्ट आईपीएल होगा उसमें हो सकता है कि ये 1-2 प्लेयर या 3 प्लेयर या 4 प्लेयर अगर कहीं से, मतलब आप ये मान के चल रहे कि ये आईपीएल, हाँ डेफिनेटली मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है, क्योंकि भरोसा नहीं कर रहे, नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जिन प्लेयरों को लिया है, जैसे जोफ्रा आर्चर को इन्होंने ले रखा है पर वो अभी इंजर्ड है, वो उनको ऐसे उम्मीद थी कि शायद वो बीच टूर्नामेंट में फिट होके वो आ सकते हैं, तो उनका तो कोई अभी कोई चांस बन ही नहीं रहा है मुंबई के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो बचे हुए 6-7 मैच हैं उसमें अगर कुछ होनी को अनहोनी हो जाए, ऐसा मुझे तो संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि पोलार्ड ने भी संन्यास ले लिया आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने बोला हमने बोला मैं आईपीएल खेलूंगा, आईपीएल खेलूंगा तो मतलब फिर कोई मोटिवेशन नहीं है, हाँ कि दूसरा फॉर्मेट अब कुछ भी नहीं खेलने वाले, वो वेस्ट इंडीज की वनडे टीम के कप्तान है थे मतलब, और अब वो भी छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब उस प्लेयर के साथ में किस तरह से चलना है हमको आगे। सर मुंबई वर्सेस चेन्नई, ये दोनों टीमें ऐसी इस टूर्नामेंट में, वैसे तो इन दोनों टीमों के बीच जब भी मुकाबला हुआ है वो बहुत ही शानदार रहा है और ये मुकाबला देखने के लिए फैंस इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार के जो हालिया प्रदर्शन है मौजूदा टूर्नामेंट में उसने कहीं ना कहीं इनके फैंस को भी मायूसी के जाल में उलझा दिया है, और खासतौर पर चेन्नई जैसी टीम जिससे काफी उम्मीदें रहती है महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि आज भी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी बाहर हो गए हों लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू आज भी कायम है। सर देखिए अभिषेक, आज का जो मैच है ना वो चेन्नई और मुंबई इंडियंस ही नहीं आईपीएल के जितने भी फैंस हैं उनके लिए सबसे नीरस मैच है, क्योंकि जिन दो टीमों को वो सबसे स्ट्रांग टीमें माना करते थे वो दोनों टीमें सबसे वीक टीम बन करके खेल रही है, और ये दोनों टीमें अगर इस टूर्नामेंट में ये कह रही है कि हम अनलकी हैं, तो एक अंग्रेजी की कहावत है कि यू हैव बकेट ऑफ निप्पल्स एंड यू आर सकिंग योर थम एंड यू आर सेइंग दैट आई एम अनलकी। आपके सामने प्लेयर्स की खान पड़ी हुई थी, आपने नहीं खरीदे और अब आप कह रहे हैं हम तो अनलकी हैं। मुंबई इंडियंस ने बॉलिंग ही नहीं ली, बॉलिंग उनकी सबसे वीक है, बैटिंग का कॉम्बिनेशन उनको मिल गया, जैसे हमने पहले के शो में भी बोला है कि 3-4 मैच लगेंगे टीमों को अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए। मुंबई इंडियन को बैटिंग का कॉम्बिनेशन बहुत हद तक मिल चुका है, लेकिन बॉलिंग इतनी वीक है कि जसप्रीत बुमराह जो कि हर मैच में 4 ओवर में 24 रन दे रहे हैं उनके लिए कोई भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और मयंक मार्कंडे जो कि एक समय के बहुत अच्छे लेग स्पिनर रह चुके हैं वो उनके बाहर बैठे हुए हैं। तो मुरुगन अश्विन को अगर आपको सपोर्ट देना है तो उस जैसे बॉलर को सपोर्ट देने के लिए एक और अच्छा स्पिनर चाहिए आपको, आपको डेफिनेटली उसको खिलाना चाहिए, और वो खेलने के साथ ही मुंबई इंडियन को बॉलिंग का कॉम्बिनेशन ढूंढना बहुत जरूरी था, जो कि इन्होंने 6 मैच लगा दिए, अब भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये उस बारे में सोच रहे हैं। और चेन्नई सुपर किंग के साथ ये हुआ कि उनके पास बैटिंग का कॉम्बिनेशन नहीं था, बॉलिंग का कॉम्बिनेशन नहीं था, कप्तानी हाथ से जाने के बाद, कप्तानी हाथ से क्या गई, कप्तानी छोड़ी गई है महेंद्र सिंह धोनी की, हालांकि फिर भी वो सपोर्टिव रोल है, तो भी रविंद्र जडेजा खुद एज ए बॉलर फीके साबित हुए हैं, 1 मैच जीते हैं वो भी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो कि खुद स्ट्रगल कर रही थी। सर बात रोहित शर्मा की कर लेते हैं, इस खिलाड़ी की खूबियों पर तो कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन भारतीय टीम के कई फॉर्मेट्स के कप्तान भी हैं और जिस अंदाज में फिलहाल वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वो भी एक भारतीय टीम के लिए भी परेशानी है और खुद रोहित शर्मा के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी। जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो ऐसा नहीं है कि हम चर्चा कर रहे हैं, वो खुद भी सोचता है कि हम उससे रन नहीं बन रहे, फिर वो कैप्टन है टीम भी हार रही है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, तो वो तो मुश्किल है ही, क्योंकि अब मुंबई भी मुश्किल में है, मतलब मुश्किल में क्या हो तो मुश्किल खत्म ही हो चुकी है उनकी ऑलमोस्ट, और अब मुश्किल है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जैसे पल्लव ने भी बताया कि मुंबई इंडियंस ने जब ऑप्शन था तो प्लेयर नहीं लिए, पल्लव बोल रहे कि उनकी बैटिंग ठीक हो गई है, पर मुझे नहीं लगता कि जो बैक स्ट्रेंथ है उसमें भी पीछे जो बैट्समैन है वो इतने अच्छे नहीं है कि किसी दूसरे बैट्समैन की वो जगह ले लें, उनके बैट्समैनों ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया है कि 210-220 रन बना के और चेस कर लिए हो या 210-220 रन बना, एक दो एक आध मैच में शायद मेरे ख्याल में बनाया है वो डेविड ब्रेविस और तिलक वर्मा, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छा बैटिंग करी थी, तो अभी वो दोनों ही कर रहे हैं,
इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। ईशान किशन ने पहले के 3-4 मैच में करा, इसके बाद जब से वो बैटिंग वो रन नहीं बना रहा है। रोहित शर्मा तो बना ही नहीं रहे, तो ये मुसीबत तो है और रोहित शर्मा के लिए भी है। पर रोहित शर्मा मैं हमेशा मानता हूँ कि जिसका क्लास होता है, फॉर्म तो आता जाता रहता है, क्लास का है तो क्लास तो उनमें बहुत बड़ी है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो बचे हुए 5-6 मैच हैं उसमें अगर वो 1-2 मैच में अच्छा खेलेंगे, स्टे करना है केवल विकेट पर। रोहित शर्मा के लिए शॉट खेलना, बाउंड्री बना, रन बना से रन बनाना, चौके छक्के मारना बहुत आसान है। वो विकेट पर खड़े रहेंगे, रन बन जाएंगे। आज 6 मैच से 3 मैच में वो खुद आउट हुए हैं, बॉलर ने आउट नहीं किया उनको, वो खुद आउट हुए। तो आप मान के चलो कि उनका भी फॉर्म है, पर क्या आपको विकेट पर 20 ओवर का भी मैच है, पर आपको विकेट पर तो खड़ा रहना पड़ेगा 20 ओवर। पल्लव सर, वैसे आईपीएल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा हमारे सामने आती है। अब ऐसे में हम देखें कि इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक का जो सफर रहा है उसमें अनकैप जो खिलाड़ी रहे हैं उनका लाजवाब प्रदर्शन रहा है, और जो सीनियर्स हैं जिनका नाम चलता है क्रिकेट की दुनिया में वो असफल साबित हुए हैं। खासतौर पर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें जिनमें नए भी हैं और जो सीनियर खिलाड़ी भी हैं, तो ये आप मानते हैं कि अब जो चुनौती है टीम सिलेक्शन की आने वाले समय में होने वाले T20 वर्ल्ड कप सहित तमाम जो स्पर्धाएं होने वाली है भारतीय क्रिकेट टीम की, वहां सीनियर्स को भी अब जूनियर से कड़ी चुनौती मिलने वाली? डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप देखें रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो इतने स्थापित बल्लेबाज और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बल्लेबाज, इनका प्रदर्शन अभी तक बहुत मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं रहा जिस प्रदर्शन के लिए ये जाने जाते हैं। अब अभी आप देखेंगे दूसरे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये हर साल आईपीएल में होता है, 3 या 4 एक आईपीएल के हीरो बन करके बाहर निकलते हैं। अभी आप तिलक वर्मा को देख सकते हैं, तिलक वर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जितेश शर्मा के भी शॉट्स बहुत अच्छे हैं, उमरान मलिक एक बॉलर के रूप में बिल्कुल उभे हैं। मैं अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहूंगा किंग्स ने या पंजाब किंग्स के, आप वैभव अरोरा को देखिए तो उनका इनस्विंग बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ रख करके अपना स्विंग खत्म किया है। अगर ऐसे टैलेंट को आप लोग ग्रूम करेंगे, और डेफिनेटली बीसीसीआई ग्रूम करता ही है, तो आने वाले समय में ये कड़ी चुनौती बिल्कुल देंगे। इनको जो स्टार प्लेयर्स हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको अपने फॉर्म में जल्दी आना होगा, स्टार्स को चमकना पड़ेगा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल आना। नहीं मैं ये बोल रहा था कि बिल्कुल जो आप अभी बात बोल रहे थे, पर ये 2020 है, आप जो वनडे या टेस्ट मैच खेलने जाएंगे तब इससे टीम नहीं बनेगी, ये केवल आप 2020 के लिए सोच सकते हैं। क्या भैया अभी 2020 का वर्ल्ड कप, लेकिन सर इसी इन्हीं युवाओं में से तो कहीं ना कहीं T20 टेस्ट के और वनडे के, आप देखना जब टीम बनेगी ना तो जितने भी युवा हैं, लास्ट ईयर पडिकल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, पडिकल वेंकटेश अय्यर ये ऐसे खिलाड़ी हैं, इवन अपना क्या बोलते हैं गायकवाड़ ऋतुराज, वो ऋतुराज गायकवाड़, इनको वेंकटेश मतलब फॉर्चुनेट थे कि अपना हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और बाद में वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए और उन्होंने कुछ किया नहीं और टीम में आया, उनको खेलने का जल्दी मौका मिला। नहीं तो बाकी प्लेयर्स आप देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ को अभी मेरे ख्याल में 1 मैच खिलाया T20 का, इसके अलावा खिला रहे, पडिकल तो कहीं तक थे नहीं टीम में, तो इतना आसान भी नहीं है। जब इंडिया की टीम बनेगी तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो एक मानसिकता एक अलग हो जाती है, एक अलग मानसिक दबाव होता है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाता है, सीनियर खिलाड़ी का अपना रुतबा भी रहता ही है, और डेफिनेटली ऐसा हो भी नहीं सकता है कि किसी को उठा के आप पिक करके और आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ, वो थोड़ा तो समय लगेगा। वैसे सर क्या सहमत है आप कि थोड़ा समय लगेगा या फिर अब एक बदलाव के दौर से गुजर सकती है टीम इंडिया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है उनके हालिया प्रदर्शन के लिए? देखिए जितने भी अच्छे खिलाड़ी आए हैं वो आईपीएल से लाइमलाइट में आए हैं। आप पहले देखें जब शेन वॉन थे राजस्थान रॉयल्स में, तब रविंद्र जडेजा नए नए थे, शेन वॉन ने सबसे पहले बोला था कि 2 साल दीजिए आप इस टैलेंट को, ये आपको इंडिया में खेलते हुए मिलेगा, और वही हुआ। आप ईशान किशन देखिए, सूर्य कुमार यादव देखिए, और लेटेस्ट एग्जांपल वेंकटेश अय्यर को देखिए, पिछले साल आईपीएल में ही प्रदर्शन किया और सीधे इंडिया टीम की T20 में आए और वनडे भी खेले। और यही मतलब टैलेंट तो आपका जो रहता है डोमेस्टिक क्रिकेट में रहता ही है, लेकिन आप लाइमलाइट में आते हैं तो वो आईपीएल से आते हैं। आप उमरान मलिक लेटेस्ट उदाहरण है, 150 की स्पीड आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं दिखाते हैं कि ये 150 से की फेंक रहा है या क्या, ये आईपीएल का असर है कि जब वो बॉलिंग कर रहा है और सामने आपको रेडार गन की स्पीड दिख रही है कि वो 150 की गति से गेंदे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देखिए फिर गावस्कर जैसे खिलाड़ी भी बोल रहे हैं कि उमरान मलिक को तुरंत प्रभाव से आपको इंडिया टीम के लिए ले जाना चाहिए। और यही दिनेश कार्तिक,
जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बीच में तो कमेंट्री और कमेंट्री करने लग गए थे। ये दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन है कि सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर ने बोल दिया कि दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप T20 में एज ए फिनिशर की भूमिका में रखिए, मतलब उम्र पे मत जाइए, प्रदर्शन बिल्कुल बिल्कुल। IPL से आप लाइमलाइट में आ जाते हैं और फिर आपको नजरअंदाज करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ बात की जाए चेन्नई की, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी वैसे दोनों टीम की यही समस्या है, मुंबई हो या चेन्नई, कि बल्लेबाजी क्रम में तो कम दिक्कतें हैं लेकिन गेंदबाजी का जो खास क्षेत्र है वहां इन दोनों को सबसे ज्यादा टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर चेन्नई की तो ये हालत है कि 200 से ज्यादा रन भी बना ले तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको डिफेंड कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल है, पर अभी अभी थोड़ा सा दक्षिणा और जिसको बोलते हैं कि चौधरी और के आने से, खास करके दक्षिणा के आने से वो बहुत फर्क पड़ा है थोड़ा सा, वो बॉलिंग बहुत अच्छी डाल रहे हैं। पर अब डिपेंड करता है कि वो अगर मान लो पहले बैटिंग करते हैं तो रन कितने बनाते हैं, अगर उसके सामने भी आप 150-160 रन बना के दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आज डिपेंड करेगा कि कौन बेहतर अपना परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों में जो सबसे नीचे की है वो दिखाने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि आज मैं आज फिर भी मुंबई का फेवर करूंगा, मुझे बेहतर टीम अगर आप पूछेंगे तो चेन्नई से ज्यादा पूछूंगा सर, मैं आखिर में पूछूंगा। जी सर, क्या आप सहमत है कि दोनों टीमों के साथ ये अच्छा है कि बल्लेबाजी क्रम में दिक्कत नहीं है लेकिन गेंदबाजी का क्रम ऐसा है कि लंबा टोटल देकर बल्लेबाज अपनी क्षमताओं के आधार पर विपक्षी टीम को दे दें तो उसे बचाना बड़ा मुश्किल है? बॉलिंग किसी भी दोनों ही टीमों के फॉर्म में नहीं है और बैटिंग भी देखा जाए तो अगर लंबा टोटल आपने दे भी दिया तो वो बैटिंग भी उस फॉर्म में नहीं है कि वो उस लंबे टोटल को चेस करेगा। तो दोनों टीमों को साथ साथ मैच हो चुके हैं और ये चैंपियन टीम रह गई हुई है, दोनों ने 6-6 मैच खेले हुए हैं, अभी तक इनको अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है क्योंकि जैसा संजय ने बोला कि ऑक्शन में इन्होंने वो प्लेयर्स नहीं लिए जो हमेशा ये एक होमवर्क करके जाते थे। ये दोनों फ्रेंचाइजी एक अच्छा होमवर्क करके जाती थी और एक अच्छी बाइंग करती थी, अपनी टीम को मजबूत बनाती थी और वो होमवर्क आपने नई फ्रेंचाइजी में देख लिया, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स जो पहला IPL खेल रही है, लेकिन आप टीम देखिए बिल्कुल बैलेंस आपको बैटिंग बॉलिंग की मिलेगी। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी होम जाने के लिए वर्क कर रही है दोनों टीमें, होमवर्क कमजोर है बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप देखिए अगर बैटिंग का अगर आप बोलेंगे ना तो मुंबई की बैटिंग ज्यादा अच्छी है, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, डेविड ब्रेविस है, केरन पोलार्ड है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। अगर मान लो 170-180 रन भी ये बनाते हैं चेन्नई तो वो आराम से, मतलब बैटिंग उनकी ऐसी है जो नाम है, अभी उसके नाम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं पर जो नाम है मुंबई के उस हिसाब से तो उनके लिए आसान होगा। लेकिन अगर यहाँ से काम करना शुरू नहीं किया तो इस टूर्नामेंट में मुंबई का काम तमाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम की, हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं सर फेवरेट टीम में से, आपने बता दिया फिर भी औपचारिक मेरी बिल्कुल मुंबई टीम रहेगी। मुंबई चेन्नई तो खैर आप शुरू से ना पसंद करना चेन्नई को, सर आपकी फेवरेट टीम आज के लिए चेन्नई क्योंकि मुंबई इंडियन के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही एक बॉलर है, कोई चमत्कार हो जाए और मुंबई इंडियन की आज बॉलिंग फॉर्म में आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो चेन्नई आज चेन्नई का भी तो फेवरेट बताओ बॉलर कौन है ना, महेश ठीक से ना वो अच्छा बॉलर है, डेविन ब्रेवो अच्छे बॉलर हैं, मुकेश चौधरी अपनी जगह है वो अपनी थोड़ी सी हेल्प मिले तो रविंद्र जडेजा भी, और रविंद्र जडेजा है अगर हेल्प मिली तो डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प मिले तो वो कारनामा कर सकते हैं। वैसे सर चेन्नई जीतेगी तो आपको लगता है कि आगे के अवसर थोड़े खुले रहेंगे इस टीम के? डेफिनेटली अगर चेन्नई जीतती है तो उसके लिए अवसर खुले हैं, फिर लगातार उनको 2-3 मैच और जीत करके वो टूर्नामेंट में बने रह सकते सर। नहीं मुझे नहीं लगता है और मैं थोड़ा सा पल्लव की बात को डिसएग्री कर रहा हूँ कि नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे पल्लव ने 2-3 नाम गिने हैं तो वो आप देखिए उधर भी ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि उनका खत्म है बॉलिंग, अगर इस साथ से बॉलिंग देंगे। मेरा कहना है कि उन्होंने कब किया इस टूर्नामेंट को, अगर आप उठाएंगे पर इनसे थोड़ा सा बेटर दिख रही मुझे है, नहीं लगता है कि इन्होंने भी इतना किया। चेन्नई से कोई पर्सनली रिवेंज? मेरा पर्सनली रिवेंज नहीं है, मेरा रिवेंज दोनों से नहीं है, किसी टीम से नहीं है। सारे शो में एक बार चेन्नई का जिक्र आप जरूर करें, पर वो इसलिए करता हूं कि जो ऑक्शन हुआ है ना उसमें तो वाकई में यार मतलब फैन एक प्रशंसक का अप्रोच भी है कि टीम बिल्कुल बिल्कुल आप देखें अगर हम इतने बड़े, वो तो हमसे बहुत उसमें खेले हुए प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर वो लोग नहीं सोच रहे और हम लोग इतना सोच रहे हैं इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई ना, तभी तो ऐसे आज ही हालत हो रही है कि हम 10वें नंबर पे 9वें 10वें नंबर की टीम है,
तो 9वें और 10वें नंबर की टीम के बीच मुकाबला है। अब तक का सफर गड़बड़ भरा रहा है, लेकिन अब यहां से इस गड़बड़ को सुधार करने का ये अंतिम मौका है। अगर ये दोनों टीमें यहां से फॉर्म में दिखाई देती है तो बचे हुए जितने मुकाबले हैं, क्योंकि यहां से कुल मिलाकर 14 टीम मुकाबले खेलना है सभी टीमों को, 6-6 मुकाबले ये दोनों टीमें भी खेल चुकी है, और बचे हुए मुकाबले अगर लगातार जीतती है तो ही मुंबई और चेन्नई के लिए अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ये मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच है, ऐसी टीमें जिन्हें सबसे ज्यादा बार आईपीएल के इतिहास में खिताब हासिल किया है, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं था जब ये टूर्नामेंट महीने भर पहले शुरू हुआ था कि ये दोनों वजनदार टीमें एक समय 6-6 मुकाबले खेलने के बाद अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर बड़ा मुकाबला है, मुकाबला थोड़ा सा मायूसी भरा इसलिए कि दो चैंपियंस के बीच मुकाबला है, लेकिन प्रदर्शन दोनों टीमों का अब तक का अच्छा नहीं रहा है। अब यह आखिरी मौका है दोनों टीमों के पास, देखना दिलचस्प होगा कि यहां से वापसी करने के लिए कौन सी टीम अपने आप को तैयार पाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजेएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।